ये समझते हैं कि राष्ट्रगान वास्तव में हमारा जो हमारे देश है, हमारे देश के जो राज्य हैं, तो उसको किस तरीके से राष्ट्रगान के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बिल्कुल जो है पूरे राज्यों की गाथा गाई है। तो वही चीज़ हम यहाँ जो है मानचित्र के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे, चेक करेंगे। देखो ये भारत का हमारा क्या है, मानचित्र है, ये है भारत का मानचित्र। अब भारत के मानचित्र पे किस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को जो है समेटा है, देखो जनगण मन अधिनायक जो है 1911 में इन्होंने कविता लिखी थी जो 5 पद की थी, जिसमें पहले पद में ये चीज़ लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। क्या लिखा था? जनगण मन अधिनायक जय, यानी जन मतलब लोग, गण का मतलब समूह होता है, जनगण मन अधिनायक। अधिनायक किसको कहा था? अंग्रेजों को कहा था। अंग्रेज जो उसके इस समय गवर्नर होते थे, जो अधिकारी होते थे, वही क्या थे? जनगण मन के क्या थे? अधिनायक थे। तो उनको समर्पित करते हुए एक कविता लिखी थी, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक कविता लिखी थी जिसके पहले पद को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को जो है स्वीकृत किया गया। तो इसके बाद लिखते हैं, देखो अब यहीं से शुरू हो जाता है। अब ये कहते हैं भारत भाग्य विधाता, तुम ही हो जनगण मन के भारत भाग्य विधाता। कौन? अंग्रेज। अब वो कहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में क्या क्या है? पंजाब है, सिंध है, गुजरात है, मराठा है, द्राविड़, उत्कल है, बंगा है, क्या क्या है? देखो समझते हैं कहाँ कहाँ। अब देखो पहले ये वाला हिस्सा भी, पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये पूरा जो है भारत में था, ये वाला हिस्सा पूरा भारत में था। अफगानिस्तान भी हुआ करता था किसी ज़माने में, तो ये वाला पूरा हिस्सा किस में था? भारत में था। तो ये कहते हैं पंजाब, अब पंजाब वाला, ये वाला पूरा क्षेत्र पंजाब कहलाता था, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? पंजाब कहलाता था, पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब। तो कहते हैं पंजाब सिंध, और ये वाला क्षेत्र क्या था? सिंध था। जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है क्या है? सिंध है। पंजाब सिंध गुजरात, और ये वाला गुजरात वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्या है? गुजरात वाला क्षेत्र है, ये पूरा गुजरात, गुजरात का क्षेत्र था। गुजरात मराठा, और मुंबई वाला क्षेत्र जो आज का है क्या है? मराठा, वो क्या कहलाया? मराठा कहलाया। और द्राविड़, द्राविड़ में 4 राज्य आज भी हैं जिनको दक्षिण भारत के राज्यों को क्या कहा जाता है? द्राविड़। जैसे उत्तर भारत के राज्य के रहने वाले लोगों को आर्य कहा जाता है, ऐसे दक्षिण भारत के रहने वालों को द्राविड़ कहा जाता है, जिसमें आपका जो है गोवा का क्षेत्र आ जाएगा। गोवा हालांकि उस समय जो है इतना वो नहीं था, और केरल था, इसके अलावा जो है आपका इसी में कर्नाटक था, तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश था। तो मुख्य रूप से केरल कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सब क्या थे? द्रविड़ थे। ये सब कौन से राज्य थे? द्रविड़। और उड़ीसा वाला क्षेत्र कहलाता था उत्कल। उड़ीसा वाला क्षेत्र क्या था? उत्कल। उड़ीसा वाला क्षेत्र उत्कल कहलाता था। उत्कल बंगा, बंगा कौन सा? बंगाल वाला, ये पूरा क्षेत्र कहलाता था बंगाल वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र क्या था? बंगाल वाला क्षेत्र, तो इसको बंगा कहा गया। और विंध हिमाचल यमुना गंगा, अब यहाँ पर क्या है? विंध्याचल है, यहाँ पर क्या है? विंध्याचल है, तो इसको कहा गया विंध, यानी मध्य प्रदेश वाला भाग क्या है? विंध है, विंध हिमाचल। और ये हिमालय प्रदेश वाला क्षेत्र पूरा, हिमालय क्षेत्र वाला क्या कहलाया? हिमाचल। ये पूरा क्या कहलाया? हिमाचल। और यमुना गंगा, अब यमुना गंगा ऐसे तो है, यमुना है ये, गंगा है, ठीक इस तरीके से यमुना और गंगा का संगम यहाँ होता है, तो ये पूरा क्या कहलाया? यमुना गंगा का क्षेत्र। ये पूरा क्या कहलाया? यमुना गंगा का क्षेत्र। तो देखो किस तरीके, और इसके अलावा उच्छल जलधि तरंग, अब हमारा देश जो है समुद्र से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है, इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? अरब सागर है, इधर क्या है? अरब सागर है, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। और इस सागर में जलधि मतलब जल, जलधि मतलब जल, उत्कल उच्छल मतलब जल में उछल रहे हैं, जल में हवाएं चलती हैं, तो जल में क्या उत्पन्न होता है? जल हवा, जल की तरंगे उत्पन्न होती, तरंग उत्पन्न होती हैं, और इसमें क्या होता है? ये उछलती हैं जल, तो उच्छल जलधि तरंग, यानी तीनों तरफ से जो जल से भरा हुआ भाग है वो क्या है? उच्छल जलधि तरंग। जो जलधि है, जो जल के भाग हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, जो जल के भाग हैं, इनमें क्या उत्पन्न हो रहा है? तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके लिए कहा गया उच्छल जलधि तरंग। तो पुनः देखो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, विंध हिमाचल पूरे राज्य आ गए। देखो 2-3 लाइन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता के 3 लाइन हमारे पूरे देश के राज्यों को बयां करते हैं। और उच्छल जलधि तरंग, जो कि सागर और महासागर के भाग है, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम, अब फिर यहाँ से जो है
फ्लैट एक तरीके से अंग्रेजों के लिए गाते हैं, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, उनसे कहते हैं इनके लिए, इनके नाम के लिए, इनके नाम के लिए, इनके शुभ के लिए, इनके नाम शुभ हो इसके लिए हम जो है आपसे आशीष मांगते हैं अंग्रेजों, अंग्रेज अधिकारियों से, कि ये फले फूलें, ये सब राज्य क्या हो भारत में, तुम्हारे अधिनायक में, तुम्हारे अधीनता में फले फूलें, तब शुभ आशीष मांगे, इसलिए हम इनके शुभ के लिए हम क्या मांग रहे हैं आपसे, आशीष मांग रहे हैं। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय है, जनगण मंगल दायक जय है, मतलब इनके, इनका मंगल हो, इनका जो है शुभ हो, इसके लिए हम लोग गाथा गा रहे हैं। भारत भाग विधाता, तुम ही भारत के भाग विधाता हो, जय है जय है जय है जय 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 है। तो इस तरीके से राष्ट्रगान के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में पूरे भारत की जो है भौगोलिक एकता को बयां किया था।